हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरी और बिरादरी को भी राम राम। तो हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैंने एक नई टेक्निक से स्केच बनाया है जो मैं सेकंड टाइम यूज़ कर रहा हूँ। जो डॉम्स के पेंसिल कलर हैं सिर्फ उसी को, सिंगल पेंसिल को यूज़ करके मैंने ये स्केच बनाया है। और ये टेक्निक मैं एक दफ़ा पहले भी यूज़ कर चुका हूँ जब मैंने ट्रिब्यूट वीडियो बनाई थी इरफान सर की और ऋषि कपूर सर की। उसमें मैंने ब्लू कलर यूज़ किया था, इस वीडियो में मैंने पर्पल कलर यूज़ किया है। तो आगे चल के हम देखेंगे क्या मैंने कैसे बनाया है। और एक और बात बता दूं कि इस स्केच में इरेजर का यूज़ बहुत कम हुआ है, ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं हुए। तो पूरा स्केच सिंगल पेंसिल से ही बनाया है। तो शेडिंग वगैरह जो भी है, डिटेलिंग, वो सिर्फ एक सिंगल पेंसिल से ही मैंने बनाई है। तो आप देखिएगा वीडियो में कैसा बनाया है। और जो मैंने स्केच बनाया है ये है हमारे और समाज के एक सिंगर हैं सुरजीत हीरा, जो कि हरियाणा के हैं। तो मैंने उनके लिए बनाया है, उनका एक न्यू सॉन्ग भी आ रहा है। तो चलिए आगे वीडियो देख, तो चलिए शुरू करते हैं। इस ड्राइंग के लिए मैंने डॉम्स का पर्पल कलर यूज़ किया है। इस तरह का स्केच मैं ये सेकेंड टाइम बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक ट्रिब्यूट दिया था इमरान सर एंड ऋषि कपूर सर को, जिस वीडियो में मैंने उन दोनों का स्केच बनाया था। वो उन दोनों का एक मूवी का ही सीन था जिसमें वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ऊपर आई बटन पे मैंने आपको लिंक दे रहा हूँ। उसमें मैंने ब्लू कलर यूज़ किया था डॉम्स का कलर पेंसिल का, वो भी सिंगल कलर से बनाया था। और सेम वही टेक्निक यूज़ करके मैं ये वाला स्केच बना रहा हूँ जो कि हमारे ओड समाज के उभरते हुए कलाकार सिंगर हैं, काफ़ी अच्छी सिंगिंग है इनकी, सुरजीत हीरा, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। और समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और सिंगिंग तो है ही इनकी अच्छी। इनका एक नया गाना भी आने वाला है शराबी, उसमें इन्होंने थोड़ा पंजाबी इफेक्ट डाला है, पहनावा और म्यूजिक सब कुछ। तो चलिए बात करते हैं इस स्केच की। इस स्केच में मैंने ये पेंसिल सिंगल यूज़ की है। इरेजर का यूज़ ऑलमोस्ट मैंने 5% भी मुश्किल से यूज़ किया होगा, एक या दो बार ही मैंने इरेजर का यूज़ किया था। और शेडिंग के लिए मैंने कोई ब्लेंडिंग टूल भी यूज़ नहीं किया इस वीडियो में, इस स्केच बनाने में। बस जहाँ पे मुझे हल्का हल्का कुछ चाहिए था तो मैंने वहाँ पे ऐसे ही, देख लीजिए आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने शेड दिए, और ब्लेंडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप देखना लास्ट में जब पूरी पिक्चर सामने आएगी, फिनिशिंग वगैरह सब कुछ एकदम मस्त लग रहा है। मुझे तो काफ़ी मस्त लग रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। अब हम इनकी कैप बनाते हैं। अब मैंने थोड़ी स्पीड स्लो कर दी है। मैं सोच तो रहा था कि इसको मैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं, बट ये काफ़ी लंबी जा रही थी इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत बीच बीच में टाइम लैप्स करना पड़ा। आगे बीच बीच में आप देख सकते हो मैंने स्पीड स्लो करी है, तो मैं किस तरह से पेंसिल चलाता हूँ, कहाँ पे मुझे लाइट शेड चाहिए तो वहाँ पे बिल्कुल लाइट प्रेशर डाल के वहाँ पे पेंसिल चलाता हूँ, और जहाँ पे मुझे डार्क चाहिए तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ यूज़ करता हूँ और पेंसिल को हार्ड तरीके से प्रेस करके यूज करता हूँ। तो इस ड्राइंग में सिंपल एक ही कलर है, बट आप शेड देख सकते हो कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर डार्क है, कहाँ मीडियम है, कहाँ बिल्कुल लो है, सब कुछ एक ही पेंसिल से ही है। और मैं ये सेकेंड टाइम बना रहा हूँ, मुझे
काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पेंसिल, कलर पेंसिल यूज़ करके भी स्केच कितना मस्त लग रहा है। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है कलर पेंसिल से स्केच बनाते टाइम, कि जब ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा भी पसीना मॉइस्चर या कुछ ही अपना हैंड ड्राइंग पे लगता है तो वो ग्रेफाइट अपने हाथ पे लग के फिर वो बाकी का जो पार्ट होता है पेज का उस पर फैलता है, जो कि इस डोम्स की एक पेंसिल कलर में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी हाथ पे लगता ही नहीं है। और अगर आप इसको पेन हाथ से या फिंगर से ब्लेंड करने की कोशिश भी करोगे तो बिल्कुल लाइट होता है। तो बीच बीच में मैंने कहीं पे जहाँ पे थोड़ी ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत पड़ी है मैंने बिल्कुल फिंगर से ही यूज़ किया, वैसे मैंने कोई टूल यूज़ नहीं किया इसके लिए। ये देखिए मैंने उनकी हुडी बनाई, हुडी की जिप देखिए, हुडी का लेफ्ट साइड वाला पार्ट भी अच्छा लग रहा है। मुझे कैप बहुत अच्छी लगी, तो गाइस वीडियोस को देखते रहिएगा, मेरी सभी वीडियोस को देखिएगा। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्केच कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, और आपको कुछ और मुझे सजेशन देना हो तो बताइएगा, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा, रिप्लाई करूंगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियोज़ में देख रहा हूँ 70-80% व्यूज़ मुझे वहाँ से आ रहे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो व्यूज़ सिर्फ 10-20% है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर चैनल पे नए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना।